नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने कुछ केंद्रीय कर्मचारियों की संशोधित पे फिक्सेशन के ऑप्शन को नकार दिया है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं डिटेल से पूरे मामले को। दोस्तों, कुछ केंद्रीय कर्मचारियों की रिवाइज पे फिक्सेशन एज पर सेवेंथ पे कमीशन के संदर्भ में केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिकों के संगठन की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। इस पत्र के मुताबिक JCM नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की यह मांग है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 2016 में 25 जुलाई 2016 के बाद प्रमोशन मिला, उनको संशोधित पे फिक्सेशन का मौका प्रमोशन की तिथि से देना चाहिए, जैसा कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 25 जुलाई 2016 के बीच प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को दिया गया है। दोस्तों, माजरा ये है कि संशोधित पे फिक्सेशन 1 जनवरी 2016 से होना था, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को जारी किया गया, CCS रिवाइज रूल 2016, और इसके मुताबिक 1 जनवरी 2016 और 25 जुलाई 2016 के बीच प्रमोटेड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की प्रमोशन की डेट से पे फिक्सेशन का ऑप्शन दिया था। इसके मुताबिक 1 जनवरी 2016 और 25 जुलाई 2016 के बीच प्रमोटेड होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन की तिथि से पे फिक्सेशन का ऑप्शन दिया था, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी फायदा भी मिला। ठीक उसी तरह 25 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के कर्मचारियों के लिए भी कन्फेडरेशन की तरफ से मांग की गई, जिसको वित्त मंत्रालय ने नकार दिया। और इसके सपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने CCSRP रूल्स 2008 का रेफरेंस दिया और कहा कि उस समय पर भी ऐसा ही किया था और यही फेयर भी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।